पॉजिटिविटी जिंदा है, इसीलिए मूवी शुरू के ऊपर 50,000 मूवी शुवियंस। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है, करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और हम बॉक्स ऑफिस तो यहां पर डिस्कस करते ही हैं, लेकिन एडवांस बुकिंग भी डिस्कस करते हैं। और एडवांस बुकिंग अगर लॉ होता है 50 दिन तक देनी पड़ जाए, और उससे पहले आप समझिए कि 10 दिन पहले से, तो 60 डेज यानी 2 महीने से जवान की डिस्कशन चल रही है ऑलमोस्ट, लेकिन लोगों का पेट अभी भी नहीं भरा है। जैसे ही इसके वीडियोज 2 दिन आने बंद होते हैं, लोग कहने लग जाते हैं जवान का एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट कहाँ है, और नई मूवीज के साथ इसको भी ऐड करो। तो लियो का जो Day 7 है एसेंशली, वो कैसा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे 26th of October, और जो जवान है उसका Day 50 कैसा जाने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, जो जवान है उसने लगभग 640 करोड़ रुपीस कर लिए हैं, लियो ने 270 करोड़ रुपीज़ के आसपास बिजनेस कर लिया है, और इसके कोई शोज़ भी कम नहीं हो रहे हैं लियो के, बल्कि हिंदी में तो बात चल रही है थोड़ा और बढ़ाने के, क्योंकि हिंदी का जो कलेक्शन है, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया आपको, टोटल बुकिंग है 15 से 16 करोड़ रुपए इसके ऐड हो चुके हैं हिंदी वर्जन से। तो लोगों को हिंदी वर्जन में पहली बार थालापति विजय की मूवी अच्छी लग रही है और थिएटर में लोग जाके देख रहे हैं। ये 30 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी हिंदी सेगमेंट के अंदर, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होगा एक तमिल मूवी के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई भी तमिल मूवी इतनी ज्यादा नहीं चली है यहां पर। जवान के बारे में बात करते हैं, Day 50 का जो कलेक्शन है वो लगभग 2 लाख रुपए की बुकिंग आई है अभी तक, जिससे लग रहा है कि सिमिलर नंबर्स होंगे, करीबन 15 से 18 लाख रुपए के आसपास इसके कलेक्शन आनी चाहिए। वहीं पर अगर हम लियो की बात करें, तो लियो का जो कलेक्शन था तमिल वाले वर्जन का था 12 करोड़ रुपए, अब है 8 करोड़ रुपए। तेलुगु वर्जन है करीबन 50 लाख रुपए, हिंदी वर्जन 50 लाख है, कन्नड़ा वर्जन 2 लाख है, तो टोटल मिला के करीबन 9 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। बट ये डबल डिजिट के अंदर रात होते होते चला जाए, जिसकी बदौलत कल का जो कलेक्शन होगा, जो इसका रिपोर्ट किया जाएगा, वो 28 करोड़ रुपीज के आसपास, 27 करोड़ रुपीज के आसपास होना चाहिए इतना कलेक्शन। जिस स्पीड से लियो जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या लियो जवान को ओवरटेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या लियो वो तमिल मूवी बन सकती है जो 1000 करोड़ कर सकती है? आंसर पार्शली यस है, क्योंकि अगर कोई मूवी 500 करोड़ रुपए कर चुकी हो, क्योंकि कर ही चुकी है ऑलमोस्ट, तो उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है 1000 करने के लिए। अभी हम सिर्फ 7 दिन में ही पहुँचे हैं, सिर्फ 7 दिन के अंदर अगर 500 से 525 करोड़ हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा नंबर तो ऑलरेडी आधा तो ये कर चुका है। लाइफ टाइम अगर इसका 30 दिन ये मूवी चल जाती है, तो ये ऑब्वियसली करने का दमखम तो रखती है। और जैसे शाहरुख खान की कोई भी मूवी को एडवांटेज मिलता है कि बाहर बहुत बड़ी मार्केट होती है, वैसे ही थलापति विजय के भी बहुत सारे फैंस हैं, और इस मूवी ने तो साबित कर दिया कि जितना हिंदुस्तान में हो रहा उतना ही आउटसाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, कल एक बार ही मैं ज़रा और थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ कुछ लोगों से, कुछ नंबर्स निकल के आएंगे, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या लियो 1000 करोड़ कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या वो जवान के लाइफ टाइम बिजनेस को भी चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या फिर एक ये मैसिव हिट होगी जो कि ब्लॉकबस्टर होगी बट ये 1000 नहीं क्रॉस करेगा। जो भी कंडीशंस निकल के आती हैं वो कल डिस्कस करेंगे। बाय बाय।